मरियम औरंगजेब कहती हैं कि शहबाज शरीफ का खौफ और नून लीग का डर हुकूमत के आसाब पर सवार, एपीसी के फैसलों को मफलूज करने और गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन को इंजीनियर करने के लिए शहबाज शरीफ को गिरफ्तार किया गया। उज़्मा बुखारी बोली, शहबाज शरीफ का कसूर इतना है कि उन्होंने शीन लीग नहीं बनाई, तमाम तर हुकूमती हरबों के बावजूद पार्टी मुस्तहकम है। शहबाज शरीफ का खौफ, मुस्लिम लीग नून से डर और एपीसी का जो खौफ तारी है उसकी वजह से ये एक नई लहर है गिरफ्तारी करने की, जिसका अंदिया बुजरा खुद देते हैं गिरफ्तार होने से पहले। और हम यकीन से कह सकते हैं कि एपीसी के फैसलों को मफलूज करने के लिए और गिलगित बल्तिस्तान और लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस को 2018 के तर्ज पर रिक करने के लिए, मैनिपुलेट करने के लिए और इंजीनियर करने के लिए शहबाज शरीफ साहब को गिरफ्तार किया गया। आज 2.5 साल हो गए हैं, 23 फॉरेन फंडिंग अकाउंट 6 साल से ताखीर का शिकार है। उसके साथ साथ जो मालम जब्बा हेलीकॉप्टर केस, आटा चीनी चोरी में वजीर आजम क्यों नहीं पेश होता जीआईटी में। मेमारे पंजाब है, जो शेर पंजाब है, आज उसका रिमांड लिया जाएगा और उसका कसूर यह है कि उसने शीन नहीं बनाई और ये बहुत बड़ा गुनाह था जाहिर है, और इस गुनाह की सज़ा तो मिलनी थी। तमाम तर हरबों के बावजूद, तमाम तर बातों के बावजूद पार्टी इंटैक्ट है, पार्टी लीडरशिप इंटैक्ट है और ये हरबे जो है ये जब चिराग बुझने वाला होता है तो वो टिमटिमाता है। एपीसी के फैसलों पे अमल दरामद भी होगा और इस हकूमत के खिलाफ तहरीक भी चलेगी, क्योंकि फिर तहरीकों में जब गिरफ्तारियाँ शामिल हो जाती हैं फिर तहरीकें बहुत ऊपर जाया करती हैं।